चलिए अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, यानी क्या गिवन है हमारा, आर की वैल्यू है 0.5 मीटर। इन सच अ वे दैट एट एनी इंस्टेंट द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर इक्वल। नॉर्मल कॉम्पोनेंट जो है वो कहलाता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, इसको कहिए ए आर, वो बराबर है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। इट्स एक्सेलरेशन आर इक्वल, और उसके बाद क्या कह रहा है, इफ इट्स स्पीड एट टी इक्वल्स टू 0 इज 4 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रेवोल्यूशन विल बी, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में से कितना समय लगेगा वो दिया हुआ है 1/α 1 - e^-2π सेकेंड, वेयर अल्फा इज, इसमें अल्फा क्या है सिर्फ ये हम लोग को बताना है। तो क्वेश्चन के सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ पे ये ऐसा एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, किसी इंस्टेंट टी पे, टी इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल स्पीड जो है वो गिवन है वी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, और किसी भी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे कह रहा है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए टी वो रेडियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड में बराबर है। ठीक है सर, यानी कि अगर आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो कंटिन्यूअसली जो वी है ना वो बढ़ता चल रहा है, वी बढ़ रहा है, और वी बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ आपका ए आर भी बढ़ेगा, ए आर बढ़ेगा तो ए टी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, टेंजेंशियल और रेडियल भी, और स्पीड भी कॉन्स्टेंट नहीं है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, उसके लिए आपको एक चक्कर लगाने में दो अप्रोच है, या तो ये टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो निकाल लीजिए, या जो थीटा एंगल रोटेट होता है वो कितना 2π रोटेट करता है, तो 2π एंगल रोटेट होने में जो समय लगेगा वो पता कर लेते हैं। तो अब यहाँ जो सिचुएशन दिया गया उससे आगे बढ़ते हैं। जो रेडियल एक्सेलरेशन है ना उसको वी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं या ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं, एंगुलर स्पीड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ए टी को क्या लिखेंगे, ए टी को आप या तो डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं या आर अल्फा लिख सकते हैं, तो आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको दिया हुआ है तो यहाँ से आर ओमेगा नॉट करके ओमेगा नॉट पता कर सकते हैं, ओमेगा नॉट इज आर कितना है 1/2 है सर, तो ओमेगा नॉट जो होगा वो 2 × V0 के बराबर होगा, यानी कि ये हो गया 8 रेडियन पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि वी दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ इनिशियल वैल्यूज है, डेटा है, उसको हमने पहले नोट डाउन कर लिया है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले ओमेगा और टी में रिलेशन आपको मिला हुआ है, हाँ सर, तो आप करेंगे क्या, डी ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ रखिए और बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ, आर से आर यहाँ पे कट जाएगा क्या, हाँ सर लग रहा है कट जाएगा, तो बचा क्या डी ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर और दूसरी तरफ सिर्फ डी टी, लिमिट क्या लेना है ओमेगा नॉट से ओमेगा और दूसरी तरफ 0 से t। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ए आर क्या है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर लेते हैं, और ए टी क्या होता है डी वी बाई डी टी, या आर अल्फा होता है, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, या वी की जगह पे आप आर ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 1/ω² का इंटीग्रेशन -1/ω होता है, लिमिट पुट करना अभी ओमेगा नॉट से ओमेगा और दूसरी तरफ ये टी आया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, ये -1/ω माइनस माइनस हो जाएगा +1/ω0 और दूसरी तरफ टी, तो क्या ये 1/ω इज इक्वल टू 1/ω0 माइनस टी है, और 1/ω0 1/8 है, हाँ सर फाइन कुछ तो ठीक लग रहा है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं फर्दर इसको कि 1 - ω0 की जगह पे हम लिख सकते हैं 8,
टी डिवाइडेड बाई 8, ये 1 बाई ओमेगा होगा, और ओमेगा की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8t। पर हमें एक रिवॉल्यूशन में थीटा की वैल्यू पता है, उस थीटा पे थीटा जब कितना हो जाए 2π, उस समय समय कितना ये बताना है। तो ओमेगा को फर्दर आपको डी थीटा बाई dt लिखना होगा। ये जेई मेन का बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गिना जाएगा। इधर है 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8t, करेक्ट? हाँ सर, हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव के बहुत करीब पहुँचते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब यहाँ के बाद हमें करना है थीटा, एक रिवॉल्यूशन के लिए पता है, टाइम आपको पता करना है। तो एक काम कर सकते हैं, 1/1 माइनस 8t dt को एक तरफ कर लेते हैं और दूसरी तरफ 1/8 dθ इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट क्या होगा, टी के लिए 0 से टी, यही पता करना है, और थीटा के लिए 0 से 2π, फाइन ना? इधर वाला एक्सप्रेशन हो गया ये ln 1 माइनस 8t डिवाइडेड बाई माइनस 8, जहाँ पे लिमिट लेना है 0 से टी, और दूसरी तरफ 1/8 इंटू 2π, ठीक है सर? अब क्या करें, ये 8 को इधर ले जा करके चाहे तो आप कैंसिल करा सकते हैं। ये माइनस साइन है तो लिमिट को स्वैप कर सकते हैं, यानी 0 पहले रखेंगे, टी बाद में रखेंगे। तो अगर 0 पहले आप रखते हैं तो ये ln 1 हो जाएगा, ln 1 भी फिर फर्दर 0 होता है, ln 1 माइनस ln 1 माइनस 8t। हाँ सर, और दूसरी तरफ एक बार हमने इसको 0 पुट किया, लोअर लिमिट को पहले रखे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था। या फिर एक काम आपके पास और ऑप्शन था कि माइनस को दूसरी तरफ ले जाते, पर ठीक है, अभी जो आया है उसको ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। ln 1 क्या होता है सर? 0 होता है। तो ये ln 1 माइनस 8t जो है हमारा, वो माइनस 2π के बराबर होगा, राइट? कलर अच्छा नहीं लग रहा, बदल लें। सर अच्छा तो नहीं लग रहा है, आते हैं अपने येलो कलर पे या वाइट कलर कर लें। तो अब ln को हटाने का तरीका क्या है, ln हटेगा तो e^2 बन जाएगा, तो 1 माइनस 8t आपका हो जाएगा e^-2π। कुछ कुछ लग रहा है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुंच गए हैं। योर 8t इज नाउ 1 माइनस e^-2π एंड योर t इज 1/8 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस e^-2π। इसी रिजल्ट को कंपेयर करना है किससे, 1/α 1 माइनस e^-2π से। तो अल्फा की वैल्यू क्या आना चाहिए यहाँ पे, अल्फा तो अब साफ साफ दिख रहा है 8 होगा, देख ले। हाँ सही आंसर, बिल्कुल सही पकड़ लिया हम लोगों ने, 8 होगा।